provide the out of given example based on previous discussions. Previous discussion just provide किया था point sorry array increment process. Just इसके इसमें सबसे पहले first declarations के according perform किया हुआ memory allocation for given array. इसे array के केस में total size कितना provide किया 3. तो finally memory space allocate करेंगे 3 element of the array. First case. टोटल इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने 3 अगर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 102 एंड 104 इस केस में आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना अगर एरे का एड्रेस मिस इफ एड्रेस ऑफ ए इज 100 देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड मींस अगर आप इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट कराओगे आपके सिस्टम में इसका पर्टिकुलर बेस एड्रेस कैसा होगा सेम और डिफरेंट डिफरेंट बेस एड्रेस देन आप सेम प्रोग्राम सॉल्व करो बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू करेस्पोंडिंग एड्रेस देन फाइनली इस केस में आपको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करना फर्स्ट वन इनिशियली जब ये एरे क्रिएट होगा इस केस में होल एरे का नेम क्या है ए ए क्या ए इज द नेम ऑफ कंप्लीट ब्लॉक इनिशियल वैल्यू इज 10 20, 30. इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या कर रहा है? Only address, not a values. Clear? इस प्लेस पर अगर address 100 है तो इसका अदर नेम क्या होगा? Star 100 and so on, A0, A1 और A2. Finally डिस्कस करना first one वाली तो difference between address of A, A, address of A0. Clear? इस first केस में address किसका मिलेगा आपको? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और कंप्लीट एरे का एड्रेस कंप्लीट एरे का एड्रेस और कंप्लीट एरे का साइज क्या है इस केस में 2 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स मींस 6 बाइट्स तो इस केस में पर्टिकुलर एड्रेस कितने बाइट का एड्रेस रिप्रेजेंट होता है इस केस में 6 बाइट का एड्रेस ठीक है एरे नेम इटसेल्फ कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा एरे नेम इटसेल्फ इज नथिंग बट इट इज अ बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट्स तो इस केस में एड्रेस कितने बाइट्स का रिप्रेजेंट होता है 2 बाइट एड्रेस सेम एज ए ऑफ जीरो अगेन क्या फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मींस अगेन 2 बाइट का एड्रेस क्लियर चेक करें इस केस में अगर एड्रेस 6 बाइट को रिप्रेजेंट करा देने से एड्रेस में इंक्रीमेंट भी कितने बाइट्स होगा 6 से अगर एड्रेस 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट करा देने इंक्रीमेंट कितने बाइट्स होगा ओनली 2 बाइट्स देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड फर्स्ट केस में प्रिंट टैप के थ्रू डिस्प्ले क्या कर रहा है एड्रेस ऑफ ए तो ये मींस इस होल कंप्लीट एरे का एड्रेस और कंप्लीट एरे का एड्रेस क्या है इस केस में 100 सेम है एड्रेस ऑफ ए प्लस 1 अगर ये एड्रेस 6 बाइट को रिप्रेजेंट करे या कंप्लीट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करा देने इंक्रीमेंट भी कितने से होगा साइज ऑफ दिस कंप्लीट ब्लॉक और ब्लॉक का साइज अगर 6 बाइट है तो 100 प्लस 6 क्या आएगा इस केस में 106 दिस इज द रिजल्ट इन केस ऑफ फर्स्ट प्रिंट टैप मीन्स आपके सिस्टम में अगर एड्रेस मीन्स सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है फाइनली इसके डिफरेंस कितने का होगा एग्जैक्टली 6 बाइट्स नेक्स्ट प्रिंट टैप सेकंड प्रिंट टैप के अकॉर्डिंग मैंने यूज क्या किया ए और ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इस होल एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दोनों केसेस में क्या 100 तो अगेन इस केस में क्या मिलेगा 100 लेकिन ये 100 अपने आप में कंप्लीट ब्लॉक का एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट्स इसलिए नेक्स्ट केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा ओनली 2 तो सेकंड केस में प्रिंट टैप का आउटपुट क्या प्रिंट होगा एज अ 100 और एज अ 102 नेक्स्ट वन सेम एज इन केस ऑफ थर्ड प्रिंट टैप में डायरेक्टली डिस्प्ले क्या कर रहा है एड्रेस ऑफ A0 A0 मींस फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है ऑल्सो 100 इसलिए इस केस में भी डिस्प्ले क्या है ऑल्सो 100 लेकिन ये 100 अगेन कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट मींस 2 बाइट्स इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होगा इस केस में ओनली 2 से 100 प्लस 2 क्या आएगा 102 इस केस में क्या डिस्प्ले होगा 100 प्लस 102 मींस इस केस में एड्रेस क्या डिस्प्ले हुआ डजंट मैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट केस क्या है डिफरेंस इस फर्स्ट केस में डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है 6 का और रिमेनिंग 2 केसेस में डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है ओनली 2 बाइट्स